हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं बेटा साहब? चलिए फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज से आपका हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक हमारा क्या है बेटा? एटम्स। ठीक है, देखिए एटम्स के बारे में आप सभी कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं बेटा? एटलीस्ट आपको इतना पता है कि अगर हम कभी एटम्स की बात करें तो एटम का क्या होता है? एक सेंटर होता है या न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है, और कौन होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता रहता है? उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। आपको इतनी चीज़ें एटम के बारे में क्या है, मालूम है। ठीक, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे पास शुरू से था कि जो एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस होगा, है ना? तो ये चीज़ें, ये जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है, अभी हमें एटम के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट की है, ये हमें अभी अभी जो हम एटम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एटम्स के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मतलब हम उसके जो हिस्ट्री है वहाँ से शुरू करेंगे कि सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसके सेंटर का कॉन्सेप्ट, उसके स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो अभी इतना समझो कि भाई ये जो सेंटर है, जो उसका केंद्रक है, इस केंद्रक का, इस न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, देखो चलो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा, उनका नाम है आपका जे जे थॉमसन। क्या नाम बोला मैंने? जे जे थॉमसन सर का। ये वही वाले जे जे थॉमसन है जिन्होंने क्या, किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की जिन्होंने खोज की थी। अब ये मत बोलना भैया मैडम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया, मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए बताया कि वही वाले जे जे थॉमसन अंकल हैं जो इलेक्ट्रॉन की खोज करे हैं। समझ में आई चीज? ठीक, जे जे थॉमसन सर ने क्या बोला था बेटा, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बोला कि देखो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। इन्होंने बोला था कि कोई अगर एटम है, ठीक है, कोई भी अगर एटम है, तो उस एटम में क्या होता है बेटा, पूरा जो होता है ना, ये मान लो ये एटम, ये तो मेरा सर्कल बनता नहीं ढंग से, ठीक है, ये एटम में ना ये पूरा पेरीफेरी क्या होगा बोलते हैं, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे, वो पूरा ऐसे फैले होंगे। ठीक, और इसमें ये बीच बीच में नेगेटिव चार्ज होंगे, बीच बीच में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज ऐसे फैले होंगे दाने दाने की तरह। इसीलिए इस थ्योरी को, मतलब सोचो, इनके जो जे जे थॉमसन सर ने एटम का स्ट्रक्चर बताया, उस एटम के स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरा जो वो पेरीफेरी दिख रहा है ना, ये पेरीफेरी, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बीच बीच में, अरे वाटरमेलन खाए हो, तरबूज रे, ठीक है, तरबूज में जो रेड कलर का रहता है, वैसी समझ लो कि वैसी पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है सब तरह, और जो उसका बीज का दाना है ना, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया? तरबूज से तो सब खाए हो मेरे ख्याल से। तो इसी कारण इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को वाटरमेलन थ्योरी भी बोला गया। क्या बोला गया बेटा? वाटरमेलन कॉन्सेप्ट, या फिर वाटरमेलन थ्योरी, कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो पूरी पेरीफेरी में है, और जैसे मॉडल मेलन में बीज होते हैं ना, सेम उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बीच बीच में हैं। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है बोला था, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। समझ में आई चीज़? और एक्चुअल में है कैसा, सोचो। अभी तो पता है ना, मतलब ये बेवकूफ़ लग रहे हैं एकदम, लेकिन थे सबसे बड़े साइंटिस्ट उस समय के। ठीक, तो ये थ्योरी पूरी की पूरी क्या साबित हो गई बेटा? गलत साबित हो गई। लेकिन गलत प्रूफ करने वाले कौन, एक्चुअल स्ट्रक्चर में लाने वाले कौन? इसमें लाने वाले थे बेटा आपके सर अर्नस्ट रदरफोर्ड। ये थ्योरी के बाद में इनका नाम आता है आपका अर्नस्ट रदरफोर्ड का। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड सर ने क्या बताया था, रदरफोर्ड। ठीक, देखो एक तो ना इन लोग के नाम से मैं बहुत परेशान हूँ। रदरफोर्ड सर ने क्या किया था, अब इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी थी, लेकिन सर रदरफोर्ड का नाम भी हमें देखने नहीं मिलता। इनके दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था एच गीगर। अब तुम लोग जीगर पढ़ना है तो जीगर भी पढ़ लेना, दैट इज एच जी गीगर एंड अर्नस्ट, क्या नाम था इनका, मार्सडन। ये दो नाम, एच गीगर और अर्नस्ट मार्सडन। ठीक, तो देखो ये सबसे पहले जे जे थॉमसन सर की थ्योरी आई, ये थ्योरी तो पूरी फेल थी। अब रदरफोर्ड कौन थे? जे जे थॉमसन सर के स्टूडेंट। ये कौन है? इनके स्टूडेंट। ठीक, इनके स्टूडेंट ने ही क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक, अब उनके इनके एक्सपेरिमेंट को अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट तो बेटा हमें पूरा डिटेल में पढ़ना ही है,
क्योंकि इन्होंने ही क्या बताया है, जो हमारा न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया है कि भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये पेरिफेरी में नहीं होता, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, आपको तो पता ही है। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है, लेकिन सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, रदरफोर्ड सर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रदरफोर्ड का नाम ना मिले तो आपको किसका नाम मिलेगा, गीगर एंड मार्सडन का नाम मिलेगा। इन दोनों का नाम क्यों मिलेगा, देखो इसलिए क्योंकि बेटा कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है ना तो वो एक्सपेरिमेंट एक बार में सफल नहीं हो जाता, क्योंकि रदरफोर्ड सर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ें मिल गई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया था, और वो कॉन्सेप्ट को वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि अरे देखो क्या होता है भाई, साइंटिस्ट इंसान एक बार में नहीं बन जाता, वो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार उस प्रैक्टिकल को करके देखता है। तो जब इन्होंने कन्फर्मेशन था इनके पास, इनको कोई आइडिया था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो इन्होंने अपने स्टूडेंट को फिर से बोल दिया, ए रे लड़का लो जाओ एक बार और परफॉर्म करके देख लो। तो फिर उनके रिजल्ट को भी उन्होंने एनालिसिस किया, इसलिए सर गीगर और मार्सडन का भी नाम यहाँ पे आता है। तो मतलब सोचो, एटम्स की सबसे पहले थ्योरी, एटम्स के बारे में सबसे पहले थ्योरी डेविड थॉमसन सर की, लेकिन वो थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद कौन आए, सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने एटम्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, या फिर गीगर एंड मार्सडन ने जो एटम्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रही हूँ मैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इसको आप चाहे तो आप अपने अगले टॉपिक की हेडिंग डालो, क्योंकि यही हमारा एक्सपेरिमेंट हमें डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया बोलोगे तो भी सही है, गीगर एंड मार्सडन ने किया बोलोगे तो भी सही है। जब क्वेश्चन आएगा ऑप्शन आपको उस टाइप से आएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ही हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि एक्चुअल में रदरफोर्ड सर ने या उनके स्टूडेंट्स ने क्या किया था। ये दोनों भी किसके, देखो जे.जे. थॉमसन सर के स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्टूडेंट ये दोनों, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कहाँ बेटा, जो एच गीगर सर का एक्सपेरिमेंट था वहां पे, ठीक। देखो दिखाई नहीं दे रहा क्या, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया लगता है मैंने, नाम हटा देती हूँ, नाम तो ऊपर में तो सिर्फ नाम ही लिखा है मैंने, नाम मैं रिमूव कर दे रही हूँ ताकि आपको डायग्राम पूरा दिखे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे बेटा क्या क्या बनाया है वो पहले समझो। यहाँ स्टार्टिंग में मैंने क्या बनाया है, एक ये सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। ये क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल सोर्स है, और यू कैन राइट सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिख दिया। ये देखो ये क्या है, लीड की ब्रिक्स है, लीड जो होता है ना ग्रेफाइट वाला लीड, उस टाइप का लीड का क्या है, ब्रिक्स है, ठीक। ये क्या है आपका, एक थिन फॉइल है, किसकी फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की क्या है, थिन फॉइल है। अब गोल्ड ही क्यों यूज किया, चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और फिर ये क्या है बेटा, ये एक कवर है, कवर मतलब पूरा ऐसे सराउंडिंग, ऐसा पूरा इसको कवर कर रहा है, ठीक है, ऐसा होगा ये, मतलब ये फॉइल रखी, ऐसा कोई मान लो ऐसा कोई फॉइल रखा हुआ है, ठीक, ऐसा कोई एक फीस रखा। देखो यहाँ से आ रहे हैं सब, यहाँ स्ट्राइक करेंगे और यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा ऐसे ये कवर किया हुआ है, समझ रहे हो। तो ये पूरा चारों तरफ क्या है, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा हुआ है। तो ये किसका स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का। इसके फॉइल के चारों तरफ यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, डिटेक्टर है, डिटेक्टर मतलब माइक्रोस्कोप है आपके पास में, ठीक। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या यूज किया जाता है, बिस्मिथ। क्या यूज करते हैं बेटा, बिस्मिथ यूज करते हैं। बिस्मिथ यूज करने के बाद देखो, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा या सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के लिए के रिमूवल के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है एक्सपेरिमेंट का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा तो कोई सोर्स लेना पड़ेगा ना जहां से अल्फा पार्टिकल निकले, तो उसके लिए क्या लेते हैं बेटा, बिस्मिथ लेते हैं। बिस्मिथ रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं इसलिए बिस्मिथ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये लेने के बाद में आपके पास ये दो ब्रिक्स दिख रहे हैं, ये ब्रिक्स हमने लीड की ली, ठीक,
इसे बोला जाता है कॉलिमिनेट। तो कॉलिमिनेट का मतलब क्या होता है समझाती हूँ। देखो ये लीड की ब्रिक्स हैं। लीड बेटा सबसे ज़्यादा क्या करते हैं ना, सबसे अच्छे अल्फा पार्टिकल अब्जॉर्वर होते हैं। क्या करते हैं ये, सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल को अब्जॉर्व करते हैं, अच्छे अब्जॉर्वर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स के। अब बोलोगे मैडम यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं ठीक। अब लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में तो नहीं निकलेगा ना अल्फा पार्टिकल, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था याद करो, एक ही डायरेक्शन में तो सारे अल्फा पार्टिकल नहीं जाएंगे, वो इधर पूरा फैटलेंगे, पूरा स्कैटर करेंगे। तो ये जो सराउंडिंग में अल्फा पार्टिकल जाएगा ना, इसको अब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है बेटा, लीड के ब्रिक्स लगा दिए जाते हैं। इनका काम कुछ नहीं है, सराउंडिंग में जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे अल्फा पार्टिकल को ये क्या कर लेगा, जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले इधर जो गए, तो सराउंडिंग में जो भी अल्फा पार्टिकल्स गए उनको कौन अब्जॉर्व कर लेगा, लीड का ब्रिक्स अब्जॉर्व कर लेगा। और बीच में क्या हो जाएगा बेटा, एक एक क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। किसका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल का एक कॉलम बन जाएगा ठीक। इसी को बोल दिया जाता है कॉलमिनेट, कॉलमिनेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब एक कॉलम बन गया यहाँ पे। समझ में आ रही चीज। अब देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किससे टकराएगा, थिन फिल्म से। कौन सी फिल्म, गोल्ड की फॉइल। अरे खाना गर्म करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो ना, गरम रखने के लिए, गरम करने के लिए नहीं, मतलब रोटी मम्मी टिफिन पैक करके देती होगी ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल में। अब मेरे चिल्लाने मत लग जाना मैडम टिफिन नहीं मिलता, हॉस्टल में रहते हैं हम लोग ऐसा करके ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना बेटा रोटी फोल्ड करने के लिए, सेम वैसी ही चीज कि आपका एकदम पतला सा थिन फिल्म और हमने गोल्ड यूज किया, किसके लिए, थिन गोल्ड फॉइल यूज किया। अब गोल्ड यूज करने का रीजन क्या, गोल्ड यूज करने का रीजन ये है कि क्या होता है बेटा देखो, गोल्ड जो मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा मेलेबल मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कैसा मटेरियल है, मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या, जिस मटेरियल को ना आप थीन शीट के रूप में क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एकदम पतली से पतली थीन शीट बना सकते हो। इसकी थिकनेस कितनी होती है पता है आपको, 10^-7 बुक में लिखता है 10^-7 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, किसी किसी बुक में 10^-4 से -7 का रेंज दे देता है और कई बुक में डायरेक्टली मेंशन है ठीक है। तो इतनी थिकनेस, मतलब इस गोल्ड फिल्म को, गोल्ड की जो फिल्म होगी ना आप उसको इतनी थिकनेस में डाल सकते हो, मतलब इतना पतला आप बना सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब जैसे मान लो कि ऐसे अगर एटम बोल, ऐसा एक ये लेयर बोलूं तो यहाँ पे गोल्ड का ना बेटा सिर्फ एक एक एटम ही आएगा लेयर में, मतलब समझ पा रहे हो। जैसे मेरा ये हाथ देखो तो ये इतना मोटा दिख रहा है, ये इतना मोटा दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो अगर एटम की मैं बात करूँ तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ऐसे बहुत सारे एटम आ जा रहे हैं ठीक। तो अगर मैं बोलूँ इतना पतला एटम, इतना पतला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगल लेयर ऑफ एटम ही होनी चाहिए, मतलब इतनी पतली सी फॉइल, ये सिंगल लेयर ऑफ एटम। अगर इसमें दूसरा लेयर आ जाए इतना थिकनेस नहीं चाहिए, ये फॉइल बनी है मतलब इतनी थिकनेस होगी कि सिंगल लेयर ऑफ एटम से ही वो फॉइल पूरी बन गई होगी, दो लेयर ऑफ एटम्स वहां पे नहीं आएंगे। कुछ समझ पाए, थिकनेस कितनी है, 10^-7 मीटर के अप्रॉक्स। किसकी यूज किए, गोल्ड की यूज किए। गोल्ड क्यों यूज किए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थिन फिल्म के तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। थिन फिल्म मतलब जितनी ज्यादा पतली शीट में हम गोल्ड को ड्रॉ कर सकते हैं बेटा उतना, ज्वेलरी देखते हो रही कितना थिन ज्वेलरी बनता है हमारा है ना, तो जितना ज्यादा ज्वेलरी क्या, इसीलिए तो बनाते बेटा। गोल्ड को क्या होता है आप जैसे शेप में डालना चाहो ना वैसे शेप में डाल सकते हो, मिलेबल होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, पीट पीट के शीट के रूप में उसको बदला जा सकता है। समझ में आई चीज। तो ये चीज है गोल्ड के बारे में। अब देखो समझ में आया। अब यहाँ पे ये कवर बनाया गया है, ये कवर कैसा है थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना, मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनाया है एक ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, साइड में जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन है और यहाँ पे एक डिटेक्टर है। इस डायग्राम को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक ऐसा डायग्राम दिया गया है। देखो ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये जो शीट है, ये वाली शीट है, ये वाली शीट है, ये कौन सी शीट है मेरी, ये मेरी गोल्ड की शीट है ठीक, ये गोल्ड की शीट है। अब देखो यहाँ से जो सोर्स है, ये क्या है मेरे पास, सोर्स है किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं देखो यहाँ से ठीक, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, किस पे स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल निकल के इस थिन फिल्म में स्ट्राइक कर रहे हैं। जब ये थिन फिल्म में स्ट्राइक करेंगे ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद भाई पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, अब देखो कुछ पार्टिकल क्या होंगे, अपनी पाथ में चले जाएंगे बेटा, लेकिन कुछ की टेंडेंसी क्या होगी कि वो डिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं भाई,
कहीं भी जा सकते हैं ना, तो ये पार्टिकल की टेंडेंसी होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। अब वो रिजल्ट कैसा आया, क्या आया, वो हम देखते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा समझो, ये समझ पा रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम ऐसा है, मतलब सोचो देख, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा सोर्स है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, बिस्मिथ रेडियोएक्टिव मटेरियल है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले एक बीम के फॉर्म में। जब ये बीम के फॉर्म में निकल के किससे टकरा रहे हैं, ये तुम्हारी एल्यूमिनियम की शीट से टकरा रहे हैं। तो देखो एल्यूमिनियम की शीट से टकरा रहे हैं बेटा, तो ये किधर जा सकते हैं। इन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें पूरा इन्होंने पूरा एक रेंज दिया, पार्टिकल चाहे तो यहाँ जा सकता है, यहाँ से टकरा के इधर भी आ सकता है, मतलब रिफ्लेक्ट भी कर सकता है वापस, ज़रूरी नहीं है क्रॉस करके जाए, इधर भी जा सकता है या पार्टिकल इधर भी जा सकता है। भाई पार्टिकल तो सब जगह जा सकता है, पूरा सराउंडिंग में। अरे ऐसा समझो ना, जैसे मान लो ये कोई सा गेट है, गेट से अंदर घुस गए और चारों तरफ ऐसे दीवार है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, चारों ऐसे दीवार है तो भाई इधर से गए हो, तो पार्टिकल अगर क्रॉस कर गई तो डायरेक्टली जा सकती है उस तरफ, इस दीवार में टकरा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है अगर क्रॉस करके, या तो यहाँ से क्या कर सकती है बेटा, डिफ्लेक्ट होके वापस आ सकती है, यहाँ डिफ्लेक्ट होके जा सकती है, या डिफ्लेक्ट होके जैसी गई वैसी ही वापस आ सकती है अगर नॉर्मल चली गई तो। समझ में आ रहा चीज़। तो ये डिफ्रैक्शन का क्या हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। अब जैसे मान लो ये अनडेविएटेड रे है, तो ये मान लो, ये मान लो क्या बोल सकते हैं, ठीक है अनडेविएटेड रे, अगर वो सीधी चली गई तो वो क्या है बेटा, अनडेविएटेड रे है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत डेविएट हो गई तो उसका एंगल आप बता सकते हैं। ये डायग्राम समझ में आया। अब इसी डायग्राम को यहाँ पे इमेजिन करो, देखो ये सोर्स हो गया, सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकली, थिन फॉइल में, थिन फॉइल से टकराई, तो ये कहाँ कहाँ जा सकती है, ये इस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक, मतलब सीधी जा सकती है, ये किसी एंगल पे जा सकती है, इस एंगल को मैं बोल देती हूँ फाई, और इसी को मैं क्या बोल देती हूँ बेटा, स्कैटरिंग एंगल बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्कैटरिंग एंगल। समझ में आई चीज़। अब समझ पा रहे हो कि ये कहाँ जा रहा है, ये सीधे नहीं जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ये स्कैटरिंग एंगल कितना भी हो सकता है, इवन ये एंगल 90 भी हो सकता है क्या, भाई मान लो गोल्ड फॉइल से टकराई और इस तरफ आ गई तो 90 हो जाएगा, अगर ये गोल्ड फॉइल से टकराई और इधर रिफ्लेक्ट कर गई, क्रॉस ही नहीं करी, तो ये एंगल इतना हो सकता है, ये एंगल इतना हो सकता है, ठीक है। इवन अगर ये टकरा के जस्ट वापस हो गई तो ये एंगल कितना हो सकता है बेटा, ये एंगल 180 भी हो सकता है। समझ में आई चीज़। ठीक, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। ऐसा एक्सपेरिमेंट कराया गया, किसने किया, गीगर ने और मार्सडन ने, एक ऐसा पूरा उनका सेटअप था, ठीक। अब इस सेटअप में हुआ क्या, ये डिटेक्टर क्या कर रहा था, जिंक सल्फाइड को ये स्क्रीन क्यों ली गई। देखो जिंक सल्फाइड जो होता है ना बेटा, वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव मतलब जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पड़ेंगे तो अब आपको पता चल रहा है कि भाई आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एंगल मान लिया 30 है तो 30 के एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पड़ेंगे ना, तो ये जो ये क्या है, जिंक सल्फाइड फोटो सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा जहाँ जब अगर अल्फा पार्टिकल वहाँ टकराए तो, ठीक। तो ये माइक्रोस्कोप से क्या करोगे, आप देख लोगे कि इस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो इसलिए माइक्रोस्कोप लगाया गया। फिर मान लो एंगल कुछ और है, यहाँ का एंगल कुछ और है, आप ये डिटेक्टर को रोटेट करते जाओगे और आप देख सकते हो कि किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए। क्या देख सकते हैं हम, किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए, और उसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखो एंगल का वेरिएशन हमारा, मान लिया इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, फॉइल से टकराने के बाद में वो कहाँ चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या आया और उस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या आया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही था। देखो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में बेटा एक ग्राफ बनाया गया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, वो ग्राफ आप इन डिटेल स्टडी करेंगे। मैं जो बेसिक चीज़ें, मैंने एक्चुअली ग्राफ याद नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ ग्राफ का। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, ओके, या पार्टिकल्स स्कैटर्ड। अब यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल है, ठीक। यहाँ जो हायर लिमिट है दैट इज 10^7, और यहाँ पे फिर है आपका 20, 40,
60, 80, 90 ऐसे करके ये एंगल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बेटा, तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया, इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि 99.86% कितना बोला मैंने, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये क्या कर गए, इतने पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, रिमेन्स अनडेविएटेड, सीधा लिख देती हूँ, रिमेन्स अनडेविएटेड मतलब इनका पाथ चेंज नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंट ये वाला परफॉर्म किया गया तो क्या हुआ, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे बेटा उनका क्या हुआ, डेविएशन नहीं हुआ। मतलब देखो 10^7 यहाँ से मान लो ये बहुत सारे लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल्स, तो एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि 10^7 इतने अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन कितना है, अप्रोक्सीमेटली जीरो का डेविएशन कितना है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसलिए पार्टिकल कहाँ पे टिक किया गया, 10^7 पार्टिकल्स और उनका डेविएशन कितना था, जीरो। समझ में आई चीज, ठीक। मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट किया, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड या डेविएटेड, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे 10^7 पार्टिकल्स, जितने लाखों करोड़ों निकले थे 10^7, समझ सकते हो कितने हैं क्वांटिटी, तो 10^7 जो पार्टिकल्स थे उनका जो डेविएशन था वो कितना था, जीरो था। मतलब जितने भी आपने डाले उसके 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या निकल गया बेटा, अनडेविएटेड निकल गया। एम आई क्लियर, ठीक। सेकेंड पार्टिकल्स, सेकेंड पार्ट क्या कहता है भाई, ए सेंटेंस यहाँ से तो यहीं का देखो कितना बच गया है इसका, 0.14% बच गया है। तो 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 1 डिग्री, क्या बोला गया, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 1 डिग्री। मतलब अब सोचो 0.14% उनका डेविएशन कितना हुआ, सिर्फ 1 डिग्री डेविएट हुए। तो मतलब ऐसा करके ये जो ग्राफ बनाया गया है पूरा, ये पूरा ऐसे ऐसे प्लॉट किया गया है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग डेविएशन मिला है, अलग अलग एंगल पे क्या मिला है बेटा, अलग अलग डेविएशन मिला है, ठीक। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला, ठीक। जब बोला गया इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वन इन 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। वन अल्फा पार्टिकल इन 8,000 पार्टिकल्स डेविएटेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, 8000 अगर एटम निकलते हैं यहां से, 8000 अगर अल्फा पार्टिकल्स निकले, तो उन 8000 एटम अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल था जिसका एंगल क्या था बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री था, जिसका एंगल क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसीलिए बोला गया कि कोई एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ठीक है भाई, यहां तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा रहे हो, तो कोई एक पार्टिकल है, उस एक पार्टिकल के लिए एंगल क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। भाई देखो एंगल क्या है, 90 डिग्री से आगे जाओगे एंगल, तो ये 90 डिग्री से एंगल, उसके लिए आपका पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल। इसके अलावा एक और डेटा दिया गया कि 1 in 10 to the power 7 अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट एन एंगल 180 डिग्री, डेविएटेड एट एन एंगल 180 डिग्री। मतलब कोई भी एक एक पार्टिकल ऐसा है जिसका एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। हालांकि ये चीज प्लॉट करके नहीं दिखाई गई है, ठीक। ये ऐसे नंबर देखो, अब समझो थोड़ा सा,
99.86 हर कोई जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान इस एक्सपेरिमेंट को करता तो वो क्या कहता, भाई भाई बिस्मिथ था, बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल्स निकले, अल्फा पार्टिकल्स एल्युमिनियम फॉइल पे टकराए, और क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जब एल्युमिनियम फॉइल पे टकराए तो पूरे के पूरे 99.86% अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड थे। मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ बेटा, 99.86% अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड चले गए, मतलब सारी की सारी जब ये डिटेक्टर को देखा गया तो यहीं पे पूरे के पूरे क्या मिले, एल्यूमिनेशन मिले, यहीं पे पूरा ब्राइट स्पॉट जैसा दिखा, ठीक, पूरे के पूरे यहीं पे आ गए। केवल 1%, देखो क्या बोला है, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाय 1 डिग्री, 0.14 जो था ना, 0.14% वो 1 डिग्री डेविएट हुआ। 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री सोचो, मतलब वो भी आसपास यही ही था, वो भी आसपास कहाँ था बेटा, यही ही था, मतलब सारे के सारे। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि मैक्सिमम एटम्स क्या थे, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, दे रिमेन अनडेविएटेड। कभी कभी डायरेक्टली सेंटेंस लिख देता है कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है दे रिमेन अनडेविएटेड, क्योंकि 0.14% भी जो बच गया ना, वो भी कैसे डेविएट हो रहा है बेटा, सिर्फ 1 डिग्री डेविएट हो रहा था। मतलब ये डिटेक्टर से जब देखा गया तो इधर कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो स्टेटमेंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसका कंक्लूजन देखोगे तो खुद को समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट थे। समझो, इतना समझ में आया है, इसी चीज को यहाँ प्लॉट किया गया है। देखो यहाँ पे क्या किया गया बेटा, 10^7 एटम्स, 10^7 एटम्स का भाई, मतलब मान लो इतने एटम्स ही आ रहे हैं, तो इतने एटम्स का क्या है, डिग्री ऑफ डेविएशन कितना है, जीरो डेविएट हुए हैं। देखो यहाँ पे एंगल कितना है उनका, डेविएशन जीरो, इतने सारे एटम है, डेविएशन कितना है, जीरो, ठीक। फिर एंगल बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे, ठीक है, एंगल बढ़ाने के साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं मतलब उनका डेविएशन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, ये आगे एनालिसिस किया गया कि 8000 पार्टिकल्स, इतने हमने कितने ध्यान लिया, 10^7 पार्टिकल्स वहां से एग्जिट हुए हैं, तो अगर मैं इसमें से 8000 का बंडल बनाते जाऊं, तो 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा था, है ना। तो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो क्यों रहा था, हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करते तो यहां तक खत्म करके छोड़ देते, भैया जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से कोई डेविएशन हमें नहीं मिला, ये काम खत्म हो गया, ठीक। लेकिन वो साइंटिस्ट थे, वो रदरफोर्ड जी थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा कंडक्ट कराया क्योंकि उन्हें को इनका रीजन जानना था कि ये दो डेविएट क्यों हो रहे हैं, ये जो रिपल क्यों कर रहे हैं। अब समझो ये एल्यूमिनियम फॉइल है बेटा, ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आया ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल आया आपका, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किया, 99.86 सीधे चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल, ये जो एटम था ना, ये एटम किसका एटम, गोल्ड का एटम, ये क्या है तुम्हारा, गोल्ड का एटम ही तो है ना, इसमें 99.86 सीधे चले गए, क्यों चले गए। इसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि इसका मैक्सिमम जो पार्ट है इस गोल्ड फॉइल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है बेटा, हॉलो है। इस 99.86% जो अल्फा पार्टिकल पार हुए अनडेविएटेड गए, उसका रीजन क्या दिया इन्होंने कि ये जो ये एटम है किसका, गोल्ड का एटम, इसका मैक्सिमम परसेंट, गोल्ड का जो फॉइल है उसका जो एटम है वो एटम क्या है बेटा, मैक्सिमम हॉलो है। हॉलो है इसीलिए क्या हुआ, जितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए वो हॉलो थे, भाई एटम सारे क्या है, हॉलो है, तो ये सारे क्या हो गए, ये उसको क्रॉस करते हुए निकल गए, ठीक। 0.14% उसमें क्या हुए, अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने दिया कि 0.14 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल आप बोलते हो किसको, उन पार्टिकल्स को जिसके सेंटर में, जिसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक। ये 2 न्यूट्रॉन को बोलोगे या 2 प्रोटॉन को बोलोगे, या फिर सिमिलर टू हीलियम पॉजिटिव, है ना, हीलियम के नाभिक के बराबर बोलोगे, जिसमें से दो, क्योंकि देखो हीलियम के नाभिक में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए
तो इसमें भी वही बचेगा, टू पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाए मैंने, इसमें भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो चाहे हीलियम का नाभिक बोलो, सिमिलर टू हीलियम नाभिक अल्फा पार्टिकल्स है ना। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और ये क्या कर रहा है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल में टकरा के 0.14% डेविएट हो रहा है। अब भैया लाइट नहीं ना है जो क्या हो जाएगा, कहीं से चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअल में, ये डेविएट नहीं हो रहा बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इस एल्यूमिनियम फॉइल में क्या था, थोड़े से पोर्शन पे 0.14 ही डेविएट हुआ, मतलब इसके थोड़े से पोर्शन में कहीं ना कहीं क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने इससे, पहले वाला 99.86 पार्टिकल सीधे चला गया, उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है, कौन सा एटम, इस एल्यूमिनियम का ये जो फॉइल है इसका एटम, मोस्ट ऑफ द पोर्शन उसका क्या है, खाली है, होलो सेक्शन है, इसीलिए क्या हुआ, पूरे के पूरे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कहीं स्ट्राइक नहीं किए, कहीं कुछ नहीं किए, सब होलो था इसलिए सीधा चला गया। लेकिन 0.14% डेविएट हुए, डेविएट क्यों हुए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस फॉइल में भी कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वही पॉजिटिव और ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, इन दोनों पॉजिटिव के कारण क्या हो रहा होगा, वहां पे रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये उन्होंने इस 0.4% के डेविएशन से ये निकाला कंक्लूजन, ठीक। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन निकाला, थर्ड कंक्लूजन देखो, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल डेविएट्स एट एन एंगल 90 डिग्री, मतलब ये देखो 8,000 में सिर्फ एक एटम डेविएट हो रहा है, 8,000 में सिर्फ एक एटम डेविएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 8,000 में मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरा फैला हुआ नहीं है, ये बहुत छोटी सी जगह पे है, कि अगर मैं बोल रही हूँ 8,000 एटम है, 8,000 में सिर्फ एक एटम क्या कर रहा है बेटा, एक एटम डेविएट हो रहा है, एक एटम का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा मतलब इस तरफ आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक एटम ना, 8,000 में सिर्फ एक एटम ऐसा हो रहा है जो 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, अल्फा या दो पॉजिटिव चार्ज के साथ, यहाँ पे जो सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तब तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसको, अदरवाइज क्या कर लेगा, अदरवाइज तो अट्रैक्ट कर लेता ये, जब ये अपना, अब बोलोगे मैडम ये दोनों पॉजिटिव है तो फिर अल्फा उधर जा क्यों रहा है, भैया अल्फा के पास तो खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, जब वो सेंटर की तरफ पहुंच रहा है तो भाई यहाँ क्या, देखो अगर यहाँ पे हॉलो सेक्शन होता तो अपनी स्पीड से आगे निकल जाता, जैसा कि 99% इस एल्यूमिनियम फॉइल का हॉलो था, इसलिए 99% कहाँ चले गए, बाहर चले गए। अब ये स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके ये रिपेल कर गया, क्यों रिपेल कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। वो पॉजिटिव चार्ज जब इसमें देखा गया कि 1/8,000 में सिर्फ एक एटम ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इन्होंने ये सेकंड का इन्होंने और कंक्लूजन दिया कि भैया ये सिर्फ 0.4% जगह में भी नहीं है, ये और कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटी सी जगह पे। उसके बाद आगे उनको एक और चीज मिली कि जब उन्होंने 10^7 पार्टिकल्स में देखा तो केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या कर रहा था, जैसे आ रहा था वैसे ही वापस चले जा रहा था, 180 डिग्री, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने, 1 in 10^7 अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड है ना एट एन एंगल 180 डिग्री, मतलब एक पार्टिकल 10^7 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा टकराया और वापस हो गया। अब भैया टकराना, इसको टकरा के वापस भेजना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात नहीं है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, खुद सोचो, 4 AMU। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के मास की बात करूं तो 4 AMU, इतने बड़े पार्टिकल को जो टकरा के वापस भेज रहा है, भैया तुम साइकिल चलाओ और तुम जाके किससे टकरा जाओ, ट्रक से टकरा जाओ, तो साइकिल पीछे जाएगा कि ट्रक पीछे जाएगा, साइकिल ही ना पीछे जाएगा, ठीक। तो समझो कि 4 AMU का मास, इसका मास 4 AMU, और ये यहां से जा रहा है टकरा के वापस आ रहा है, मतलब यहां जो पार्टिकल है बेटा उसका पावर बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत ज्यादा है। तो वो जो ये सारे कंक्लूजन निकले ये जो एक्सपेरिमेंट में, देखो एक्सपेरिमेंट तो बहुत छोटा था बट कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई चीज। तो ये जो ये बताया कि क्या इस जो रिजल्ट था इससे क्या पता चला, इस रिजल्ट देखो एक बार समराइज करो, पहला एक्सपेरिमेंट क्या, पहला जो आपका अजम्पशन था क्या बताया, 99.86 पार्टिकल
अंडेवेटेड चले गए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एल्यूमिनियम की सॉरी ये किसकी फॉइल थी, गोल्ड की फॉइल थी, इसका पूरा भाग एटम्स पूरे एटम्स क्या थे, इसके खोखले थे, खाली थे, हॉलो थे, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा निकल गए। 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये था बेटा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी के कारण ये क्या हुए, इतने परसेंट डेविएट हुए। 1 in 8000 पार्टिकल डेविएटेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री भैया, तो देखो 90 डिग्री तो यहीं तक हो गया, इस डायग्राम में देखो 90 डिग्री तो यहीं तक हो गया बेटा। अगर ग्रेटर ये एंगल है ना, स्कैटरिंग एंगल ये वाला है, ग्रेटर देन 90 मतलब ये इधर आएगा, ग्रेटर देन 90 मतलब ये एंगल ग्रेटर देन 90 ना, देखो ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो मतलब ये रिपेल होके पीछे आया। क्यों रिपेल होगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है यहां से पता चला, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है वो यहां से पता चला। इतने एनालिसिस समझ में आए। ये सारे एनालिसिस के बेसिस पे ही क्या कहा गया था कि जो भी एटम होता है उस एटम के सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी पूरा पोर्शन क्या होता है उसका, हॉलो होता है। यही किसका कॉन्सेप्ट था बेटा, सर रदरफोर्ड का, या फिर आपके गीगर या फिर अर्नेस्ट मार्स्टन का कॉन्सेप्ट था। क्लियर हुआ। एक बार रिजल्ट को मैं और समराइज करके लिखती हूँ, ताकि मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाए। देखिए सबसे पहले हम एक बार, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके या जैसे भी लिखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, पहला रिजल्ट एंड कंक्लूजन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहला रिजल्ट क्या कहता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। इनका पहला रिजल्ट क्या आया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अभी देखा 99.86% कहाँ चले गए हैं, अंडरवेटेड। इसका मतलब क्या है, जो एटम है उसका आधे से ज्यादा भाग क्या है बेटा, खाली। सेकेंड क्या कहता है, देयर इज अ सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ एटम इन वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि केवल 0.14% क्या हुए थे, डेविएट हुए थे। इससे क्या पता चला कि सम पॉजिटिव चार्ज इज देयर इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि अगर स्मॉल स्पेस में नहीं होता तो और ज्यादा एटम डेविएट हो जाते। अभी देखो लेस देन 50% 0.5% कितना 0.14% डेविएट हो रहे हैं, समझ में आया। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम ही ज्यादा क्या है, स्मॉल स्पेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस स्मॉल स्पेस को इन्होंने किसका नाम दिया बेटा, न्यूक्लियस का नाम दिया। समझ में आया चीज। न्यूक्लियस का इन्होंने अप्रोक्सीमेटली साइज भी बताया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी 10^-15 meters एंड साइज ऑफ द एटम 10^-10 meters। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे, है ना, न्यूक्लियस का भी आई गेस आपने पढ़ा होगा। क्लियर हुआ इतने रिजल्ट। चलिए एक रिजल्ट में मैं आपको और लेके जाती हूँ। ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट फोर्थ वाला कहता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। एक्चुअली चलिए एक फॉर्मूला आपको बताना ही पड़ेगा, यहीं पे बता देते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स फॉलिंग। मतलब एक्चुअली क्या होता है, एन है, एन का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, के जेड स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय फॉरगेटिंग द फॉर्मूला दैट साइन टू द पावर 4 θ/2 साइन टू द पावर 4 θ/2 वेर जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है जो आप हमेशा लिखते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ के लिए दिया गया था, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ के लिए देखो, यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि 10^7 जब एटम्स थे तो वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जीरो था। जब ग्रेटर देन 90 पे हमें कितना डेविएशन मिला, सिर्फ एक एटम का डेविएशन। 180 पे कितना, अगर आपको किसी और एंगल पे, किसी भी एंगल पे अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, एन क्या बेटा, एन इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। अगर आपको किसी और एंगल पे क्या करना है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल फाइंड आउट करना है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज के जेड स्क्वायर
साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। वे थीटा इज स्कैटरिंग एंगल, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, के आपके लिए कांस्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ठीक। और ये के वेरी करता है इसलिए मैं उसकी वैल्यू अभी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। साइन टू द पावर 4 होगा और थीटा बाय 2 हो जाएगा, जेड आपका गिवन। देखिए अब ये किसी भी एंगल पे, क्योंकि भैया हमने तो लिमिटेड डेटा दिया, ये एक्सपेरिमेंट का डेटा है, अगर आपको किसी और एंगल पे फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो हम आगे देख सकते हैं, समझ में आई चीज, ठीक। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स फॉइल। अब देखो एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया बेटा, हमने पढ़ा मेटल फॉइल के लिए, किसके लिए पढ़ा, गोल्ड के लिए, लेकिन आप खुद सोचो क्या रदरफोर्ड ने सिर्फ एक ही मेटल पे काम किया होगा, उन्होंने सिर्फ एक मेटल पे काम नहीं किया होगा, उन्होंने सारे मेटल्स पे काम किया होगा और आपको गोल्ड पे उनको सबसे अच्छा रिजल्ट मिला होगा, इसलिए उन्होंने गोल्ड का क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक। लेकिन उन्होंने सिर्फ गोल्ड पे परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आप देखो जेड तो हर मेटल का क्या होता है, अलग अलग होता है, जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड हर मेटल के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। तो जब जेड अलग अलग है तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई अगर सोचो मैं 30 डिग्री को ही देखूं, ठीक, 30 डिग्री पे डेविएशन देखूं, तो हर मेटल के लिए 30 डिग्री का डेविएशन अलग अलग है। भाई हर मेटल के लिए क्या है, मेटल 30 डिग्री पे हर मेटल का क्या अलग है बेटा, डेविएशन अलग है। मतलब एक बात बताओ, अगर हर मेटल का डेविएशन अलग है, मतलब हर मेटल के सेंटर पे अलग पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ पाए मेरी बात को। देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना एटम डेविएट होता है, तो अगर मैं बोलूं हर इस फॉर्मूले से बोलूं कि हर मेटल का अगर जेड अलग है, तो जेड अलग है मतलब नंबर ऑफ स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स, वो अलग है, और अगर स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग है, इसका क्या मतलब है कि भाई सेंटर में पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, तो अलग पॉजिटिव चार्ज होगा इसीलिए तो नंबर ऑफ अलग अलग स्कैटर्ड पार्टिकल्स मिल रहा है ना। भैया अगर सबके में एक ही जैसा पॉजिटिव चार्ज होता सेंटर में, तो सब उतने ही अल्फा पार्टिकल्स को क्या करते, रिफ्लेक्ट करते, उतने ही अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट करते। लेकिन क्योंकि सब मेटल का जेड अलग, इसलिए सब मेटल का स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग, और जब सब मेटल का स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग बेटा, सब मेटल के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज अलग, समझ में आई बात। इसीलिए क्या कहा जाता है, आप लोगों को तो पता ही है भैया, हर एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं ना सबके प्रोटॉन्स, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भैया, सब जितने भी एटम्स ले लो सबके सेंटर पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हर एटम का अलग अलग, चाहे आप गोल्ड ले लो चाहे आप कॉपर ले लो, जिसको आपको उठाना है उसको उठाओ, सारे का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, अलग अलग। यही तो कह रहा है ये, समझ पा रहे हो कि जिसका जेड अलग उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स अलग। भाई और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अलग हैं, जितने स्कैटर अलग हो रहे हैं, तो भैया किसी के में कम पॉजिटिव चार्ज है तो वो कम अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करेगा, किसी में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करेगा। वही कहना चाह रहा है कि जिसका जेड अलग उसके लिए नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग, और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स अलग मतलब उसके केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज अलग। तो ये कॉन्सेप्ट जो आप अभी जानते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, इन्होंने ही दिया कि सेंटर पे हर मेटल के सेंटर पे, हर एटम के सेंटर पे अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्होंने पहले क्या कॉन्सेप्ट दिया, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या दिया कि हर न्यूक्लियस में अलग अलग, हर एटम के न्यूक्लियस में अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दो कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने, समझ में आई चीज, ठीक। अब देखो एक ये चीज मेरे को बताओ, आप सभी को पता है कि द इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है पता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ये भी पता है। भाई यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तुम्हारे पास भरपूर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में है नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता, ये अपने पेरिफेरी में क्यों घूमता रहता है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में क्यों घूमता रहता है, ठीक, इसका रीजन है। अब जैसे
हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहती है, ऐसे बोलूं क्या? ठीक है, तो पृथ्वी क्या है भाई, सूर्य पृथ्वी को खींच क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं चली जाती उसके पास में, भाई वो भी तो खींच सकता है ना। तो कहीं ना कहीं सेम वैसी चीज है भाई, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, अब ये खींच क्यों नहीं रहा है उसको, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना दोनों के बीच का, इस अट्रैक्शन फोर्स को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रिपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जैसे सेंट्रिपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट करके क्या करता है, उसी फोर्स के बेसिस पे ये राउंड लगाने लगता है। भाई देखो फोर्स है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आएगा, अल्फा लिख देती हूँ, ठीक है, फोर्स है मतलब, कुछ ज़्यादा ही गंदा लिख दिया मैंने, फोर्स है मतलब क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आना चाहिए। मैकेनिक्स के लैंग्वेज में क्या आता है, अगर फोर्स है कहीं भी तो वहां पे चेंज इन एक्सेलरेशन आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, किस डायरेक्शन में आना चाहिए ये नहीं बताता। फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन आएगा, किधर किस डायरेक्शन में कहीं नहीं बताएगा। तो मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है इट यूटिलाइजेस द फोर्स एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लाइक जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसको ये क्या कर रहा है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर ले रहा है, और उसी फोर्स के कारण ये क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। क्या बोला मैंने, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव टूवर्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं बट डोंट मूव टूवर्ड न्यूक्लियस, बट वो न्यूक्लियस की तरफ मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज इट यूटिलाइजेज दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं, और उसी फोर्स के कारण क्या करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ क्या, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, मेरे ख्याल से ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है। क्यों गलत है, क्या आपके इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रोटेट करते हैं क्या? नहीं, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, और रदरफोर्ड का यही स्टेटमेंट गलत था, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने सही दी थी, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने सही दी, सिर्फ एक लाइन, ये पूरा कॉन्सेप्ट सही है, पूरा कॉन्सेप्ट सही है, सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है ये भी सही है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस अट्रैक्शन फोर्स का यूज़ करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर किस में लगाते हैं, किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ऐसा बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो इनके कॉन्सेप्ट में बस ये एक यही क्या था, माइनर मिस्टेक था जो उन्होंने नहीं किया। ठीक, तो ये पॉइंट एक्चुअल में स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखोगे, बट ये इनका क्या है, ये इनका गलत पॉइंट है, ठीक है, उसको मत बोल देना कि ये इन्होंने ऐसा लिखा था, इन्होंने कहा था किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अब आप सभी कुछ ये सब जानते हो, समझ में आई चीजें बेटा। चलिए फिर आज के लिए आई गेस एक न्यूमेरिकल मैंने आपको ये लिखा था, बट वीडियो आई गेस लंबा होते जा रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया है सिर्फ उसी पे बेस्ड है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर जरूर बताएंगे। देखो क्या लिया है क्वेश्चन में, इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, 1000 अल्फा पार्टिकल दे दिया है मतलब एन दिया हुआ है, स्कैटर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। समझ में आया, इसको सॉल्व करोगे और मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। चलिए फिर समझने की कोशिश करिए, एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। ओके, चलिए फिर, बाय बाय बेटा, नेक्स्ट